हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिका रेसिपी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप? घरों में फ्रेंड्स हम नॉर्मली राइस बनाते हैं और नॉर्मली बहुत बार क्या होता है, हमारे पास राइस जो है बच जाते हैं। आइदर वो बॉइल्ड राइस हो, तड़के वाले चावल हो, जैसे भी हो, नॉर्मली हम क्या करते हैं उसमें एक सब्जियां बनाकर डालकर हम फ्राइड राइस बना लेते हैं या फिर वैसे ही चावल को हम दोबारा अगले दिन खाते हैं। लेकिन आज फ्रेंड उन बचे हुए चावल से, लेफ्ट ओवर राइस से कैसे उसको एक दोबारा एक नई डिश में कन्वर्ट किया जाए, एक ऐसी नई रेसिपी लेके आई हूँ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स नीचे सब्सक्राइब का बटन और बेल नोटिफिकेशन ऑल को अनेबल कर लीजिए ताकि मेरी अपकमिंग जितनी वीडियोस हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सो फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बनाते हैं अपने फटाफट से बचे हुए चावल के टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी पकौड़े। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने इस तरह से जो बचे हुए चावल है दो कटोरी राइस लिए हैं, ये देखिए बहुत फटाफट से बन जाते हैं फ्रेंड्स। थोड़ी सी ग्रीन चिली अपने हिसाब से देख लीजिए जितना आप स्पाइसी पसंद करते हो, चॉप किए हुए अनियन, इसमें फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा हाथ से निचोड़ के अच्छे से पानी निकाल लिया है, ठीक है। इसमें मैंने एक प्याज डाला है, खूब सारा धनिया कलर देने के लिए और फ्लेवर देने के लिए, 1 टीस्पून लहसुन चॉप किया हुआ, आप चाहे तो इसमें आधा चम्मच अदरक भी डाल सकते हो चॉप किया हुआ, 1/2 कटोरी फ्रेंड्स इसमें मैं बेसन डालूंगी बाइंडिंग के लिए, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, आप चाहे तो इसमें साबुत धनिया भी कूट के डाल सकते हो, थोड़ी सी अजवाइन बहुत कम फ्रेंड्स, 1 पिंच हल्दी थोड़ा सा कलर देने के लिए और 1.5 टीस्पून सॉल्ट, आधा नींबू डालेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा चटपटापन देने के लिए। बिलीव मी इस तरह से अगर आप बनाएंगे अपने पकौड़े बहुत ही बढ़िया बनेंगे। लो जी डल गया हमारा आधा नींबू, फटाफट से हम इसको मैश करेंगे और इसको फ्राई करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, इस तरह से हमने इसको मैश करना है। नॉर्मली फ्रेंड्स जब भी हम चावल बनाते हैं, चाहे पुलाव बनाएं या सिंपल बॉइल्ड राइस बनाएं, तो तकरीबन हमारे जो चावल जो हैं वो बच ही जाते हैं और बहुत से टाइम्स हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या बनाएं। बहुत से लोग जैसे हम भी है क्या करते हैं, उसको तड़का लगा देते हैं प्याज और सब्जियों का, वो तो ऑप्शन है ही है, लेकिन क्या होता है कि ये तो खैर डिफरेंट ऑप्शन होगी ना, पकौड़े बना रहे हैं हम और बनते भी बहुत अच्छे हैं और बन भी फटाफट जाते हैं। बहुत से लोग इसमें फ्रेंड सब्जियां भी डालते हैं, जैसे आप मटर भी डाल सकते हो, शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, गाजर भी डाल सकते हो, लेकिन ठीक है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, वो आपकी अलग से एक और क्रिएशन हो सकती है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट कुछ बनाना है तो फटाफट से बेसन डाला और प्याज डाला और फटाफट से मसाले डाले और बन गए हमारे राइस के पकौड़े, ठीक है। इस तरह से ये देखिए हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया, ये देखिए, ठीक है। अब फटाफट से हम छोटे छोटे निकालेंगे इसके पकौड़े। तो फटाफट से फ्रेंड्स हम इसको फ्राई करते हैं, आप किसी भी शेप में, नॉर्मल बॉल वाली शेप में भी बना सकते हो, मैं इसको लेकिन ऐसे ही हल्के से हाथ में लिए, ये देखिए इस तरह से लिए और फटाफट से डाल दिए, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं बनाने फ्रेंड्स, बस हाथ में लिए और डाल दिए, ये देखिए इस तरह से लिए और डाल दिए, मीडियम गैस पे बनाने हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। चावल है, चावल के तो वैसे ही बहुत क्रिस्पी बनेंगे और बेसन डाला हमने बाइंडिंग के लिए, प्लस उससे भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पीनेस आएगी इसमें, साथ में और इमली की चटनी हो जाए तो मज़ा ही कुछ और है, चाहे बारिश के मौसम में खाओ, चाहे आप सर्दियों में खाओ, कभी भी खाओ। देखा बन गए ना हमारे झटपट से बचे हुए चावल के पकौड़े, ये देखिए ऐसे लगेंगे जैसे आपने वड़ियाँ बनाई हैं, खाने में इतने स्वाद, ओहो मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स। कभी आप ये रेसिपी घर पे ट्राई जरूर करना और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे बताना कि आपके पकौड़े जो है वो कैसे बने। चाहे तो फ्रेंड्स आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको कच्चे निकाल के रख लीजिए और दोबारा हाथ से दबाकर दोबारा डीप फ्राई कीजिए, वो भी एक तरीका होता है, या फिर फर्स्ट टाइम में ही आप इसको अच्छे से कुक कर लीजिए। दोनों में क्या होता है, सेकेंड टाइम भी तेल तो नहीं भरता, बट उसमें ये होता है कि सपोज आपके इंस्टेंट कभी ये लगता है कि गेस्ट आ गए हैं, तो आप इंस्टेंट भी आ गए या आपको पता है आपके शाम को गेस्ट नहीं आना है, तो आप क्या कीजिए पहले ही कच्चे निकाल के रख लीजिए और बाद में फिर उसको फटाफट से दोबारा री अगेन डीप फ्राई कर लीजिए। ये देखिए, ओ माई गॉड, लग रहे हैं शक्ल से बहुत क्रिस्पी, खाने में भी बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे मूंग दाल के हम मंगौड़े नहीं बनाते क्रिस्पी क्रिस्पी, ये बिल्कुल वैसे बनेंगे। लो जी रेडी हो गए हमारे पकौड़े, ये देखिए फ्रेंड्स, बस हमें बहुत ज्यादा इससे ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने, ठीक है, नहीं तो उसमें थोड़ी सी बिटरनेस का टेस्ट आएगा। बस इसी टाइम से हम सारे जो अपने पकौड़े जो है वो निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे इमली की चटनी के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स आ रहा है ना मुँह में पानी, तो बनाओ ना फटाफट से जाके, देखिए फटाफट से सेकेंड लॉट भी बना रही हूँ फ्रेंड्स, बस इस तरह से बॉल की शेप में मत बनाना फ्रेंड्स, वो तो नॉर्मली बाजार में आप मिलते ही हैं बॉल्स की शेप में, लेकिन इस तरह से हाथ में लेके फटाफट से उसको डिप एंड ड्रॉप, जैसे बोलते हैं ना, उसको उठाया और फेंक दिया, बस वैसे ही डालो,
ये देखिए इस तरह लिया और इसमें ड्रॉप कर दिया। रेडिए फ्रेंड्स हमारे कुरकुरे यानी कि बचे हुए चावल के बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े। ये देखिए फ्रेंड्स, सी द टेक्सचर। मैं आपको तोड़ के दिखा दे, ये देखिए आपको आवाज आ रही होगी और अंदर से देखिए गर्मा गर्म कैसे धुआं निकल रहा है। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इट्स वेरी क्रिस्पी, बहुत ज्यादा क्रिस्पी है, कुछ भी नहीं लगा। चावल तो हमारे पास बचे हुए थे, प्याज डाला, धनिया डाला और थोड़े से मसाले डाले। इसको इमली की चटनी से खाकर देखते फ्रेंड। वैसे तो टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं बट इमली की चटनी के साथ तो टू गुड फ्रेंड्स, टू गुड। आप मतलब बाजार के सब पकौड़े भूल जाओगे। बहुत ही यम्मी है फ्रेंड्स, नोबडी विल बिलीव कि ये चावल के पकौड़े हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा और मेरी रेसिपी को जरूर 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 ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इजी है, कोई भी इसको बना सकता है। जो अनट्रेंड है, जो कुकिंग में अभी स्टार्टिंग में गए हैं, वो भी बहुत इजीली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में व्हाट्सएप पे फेसबुक पे शेयर करना है ताकि वो भी घर पे बहुत ही अच्छा हेल्दी और प्लस टेस्टी खाना बना सके, बिल्कुल बाहर की तरह रेस्टोरेंट की तरह। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नई रेसिपी के साथ, बहुत इजी रेसिपीज लेके आऊंगी आगे में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। बाय फ्रेंड्स, बड़ों का आदर करते रहिए और भगवान की पूजा करते रहिए और मेरी रेसिपी की वेट भी जरूर करते रहिए।